देखो यार, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था एंड मेरे को ऑनेस्टली कुछ आइडिया नहीं था प्रोग्रामिंग का कि क्या होता है, क्योंकि मैंने 11th एंड 12th में नहीं पढ़ी थी। सच बोलूंगा, बहुत सारे लोग सॉल्यूशन सोच लेते थे, मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं सोच पाता था क्योंकि पहले टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, तो क्लास में थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग होती थी। तो अगर तुम सोचते हो कि यार सॉल्यूशन पहले से ही सोच लेते हैं सब लोग, इतने स्टार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, मैं नहीं सोच पाता था। हाय, माय सेल्फ पारिक हियर। सो इस वीडियो को मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो का फुल फोकस होगा कि मैंने पर्सनली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कैसे सीखा, ओवरऑल कहाँ कहाँ से सीखा, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, जिसने इवेंचुअली मेरे को अमेजोन जैसी कंपनी क्रैक करने में हेल्प करी। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, सब कुछ ऑनेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा, है ना। ऐसा कोई बायस ओपिनियन नहीं होगा कि मैं कोडिंग निंजा से हूँ तो बेसिकली उस टाइप के रिसोर्सेज बताऊंगा। बिल्कुल अनबायस ओपिनियन होगा, ऐसी चीजें जिसने पर्सनली मैंने जो उनसे स्ट्रगल फेस करे, जो मैंने बेसिकली अपनी जर्नी में रिसोर्सेज यूज करे, जिसने इवेंचुअली मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अच्छा बनाया, एंड तुम क्या कर सकते हो अपनी जर्नी में, क्या लर्निंग्स लेके जा सकते हो, वो बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक रहना, स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को अगर पसंद आए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसी वीडियोस और डालते रहते हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी आते रहते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो, अपनी जर्नी में डालो, एंड इन द फ्यूचर यू विल बी शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, मैंने कैसे ऑनेस्टली कैसे कैसे कहाँ कहाँ से सीखा और क्या क्या मैंने स्ट्रगल फेस करे एंड क्या क्या अच्छे से करा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकदम स्क्रैच से। देखो यार, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था एंड मेरे को ऑनेस्टली कुछ आइडिया नहीं था प्रोग्रामिंग का कि क्या होता है, क्योंकि मैंने 11th एंड 12th में नहीं पढ़ी थी। तो फर्स्ट ईयर में लोग लगे रहते थे डीएसए सीख रहे हैं, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव भी कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट था विच इज लेटर सी करके, जो सब्जेक्ट होता है वो सब लोग पढ़ते हैं, वो मैंने पढ़ा था। मैंने बेसिकली जैसे तैसे एग्जाम दिया था, बट मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया था कि लॉजिकल सब्जेक्ट है ना, एंड अगर तुम मैथ्स वगैरह में थोड़े से अच्छे हो तो इवेंचुअली प्रोग्रामिंग में भी अच्छे हो सकते हो। आई गॉट गाइडेंस फ्रॉम समवन, तो बेसिकली मैंने समझ गया यार कर तो सकते हैं, बट अभी उतना टाइम नहीं मिलता, कॉलेज का फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा लाइट लाइट ले सकते हैं। अब पता नहीं वो सही था या नहीं था, बट थोड़ा लाइट रहा मेरा फर्स्ट ईयर। बट फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने सोच लिया था यार ये तो मुझे सीखना है, कुछ भी हो जाए मुझे प्रोग्रामिंग में सीखना ही सीखना है, बिकॉज आई थिंक ये फील्ड मेरी अच्छे से बनी है। और फर्स्ट ईयर में तुम इधर उधर के पैकेजेस देखते हो, लोगों को देखते हो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यार तुम अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हो, एंड यही चीजें मेरे को भी मोटिवेट करी थी। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने प्रोग्रामिंग सीखने का डिसीजन लिया, और उस टाइम पे ऑनलाइन इतने सच में रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो मैंने ऑनेस्टली कोर्स ही करा था और अंकुश सर से ही कोर्स करा था। तो अंकुश सर से कोर्स मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि उस कोर्स का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो इट वॉज एन ऑफलाइन कोर्स एंड मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में उस कोर्स में ऑनेस्टली 300 के आसपास क्वेश्चंस करे थे। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स था, बिल्कुल बेसिक से लूप्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सारे टॉपिक्स कवर कराए थे। 20 से 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के थे। पर्सनली ऑफलाइन कोर्स था, सच बोलूंगा बहुत सारे लोग सॉल्यूशन सोच लेते थे, मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं सोच पाता था क्योंकि पहले टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, तो क्लास में थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग होती थी। तो अगर तुम सोचते हो कि यार सॉल्यूशन पहले से ही सोच लेते हैं सब लोग, इतने स्टार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, मैं नहीं सोच पाता था, बट आई यूज टू लर्न अलॉट। इधर उधर लोगों से बात करके मेरे को थोड़े सोल्यूशन पता लगते थे, ब्रेन स्टॉर्म करते रहते थे, ट्राई करते रहते थे, है ना। तो उस कोर्स में मुझे दो तीन लर्निंग्स दी अंकुश भैया ने कि यार तुम बेसिकली डरो मत कि सोल्यूशन नहीं सोच पा रहे हो, बट एटलीस्ट गिव अ ब्रेन स्टॉर्म। ये पता होना चाहिए यार ये सोल्यूशन वर्क करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज सोचना अच्छे से आना चाहिए। एक दो चीजें और बताई कि पहले ब्रूट फोर्स ही सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद तुम बेस्ट सोल्यूशन पर आओगे, राइट। तो ये चीजें मैंने कोर्स के अंदर सीखी। कोर्स के अंदर मैंने 300 क्वेश्चन तो सॉल्व करे ही, बट मैंने ये भी चीजें सीखी यार कि ऐसा नहीं है बेस्ट सॉल्यूशन पहले से सोचना होता है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन हर बार ही आ ही जाएगा दिमाग में, और रेगुलरली रिवीजन बहुत जरूरी है, जो चीजें नहीं हुई है उसको रिवाइज करते रहो, और ये चीजें मैंने कोर्स के बाद करी। आफ्टर द कोर्स देखो मैंने ये तो है 300 क्वेश्चन अपने हाथ से कोड कर लिया था, तो ये तो था मैंने करा है, बट क्या मुझे सारी चीजें आती हैं? 300 में से 200-250 क्वेश्चन तो मुझसे फर्स्ट टाइम में हो ही नहीं थे। तो व्हाट आई डिड वाज कि यार मैंने उसके बाद, राइट, जो मेरा लाइक थर्ड सेम स्टार्ट हुआ उसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने इफेक्टिवली जो भी क्वेश्चंस करे थे उन्हीं को रिवाइज करा। बिकॉज क्या होता है, देखो थोड़ा थोड़ा तो करा हुआ होता है तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार ये 300 क्वेश्चंस के आसपास तो मुझे समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है,
ठीक है, तो मैंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था उस सेमेस्टर में, और ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाता था, बट वो सेमेस्टर मैंने पूरा रिवीजन के अराउंड दिया था। मुझे बहुत मजा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो भी कोर्स में सीखा है वो मेरे को अच्छे से आता है। चीजें पता लग गई कि यार सब लोग सॉल्यूशन नहीं सोच पाते हैं, कर लगे रहो चीजें हो जाएंगी, बट दैट वॉज नॉट इनफ, है ना। बेसिकली 300 क्वेश्चन कर लिए, बट आगे चल के फ्लो मेंटेन करना है चीजों को, और एडवांस चीजें सीखोगे तो शायद और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने अपने फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी। बट आफ्टर द एक्सपीरियंस आई से कि यार उतना नेसेसरी नहीं है, बट ठीक है अगर कर लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, दो तीन चीजों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैंने सीखी, स्पॉच पे मैंने 100 से 150 क्वेश्चन करे, एंड उस पर थोड़े एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स करे, सेगमेंट ट्री करा, फेनविक ट्री करा, राइट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थोड़े ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस करें। तो क्या होता है, तुम जब ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो तुम्हारे इजी क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यार ये तो हो ही जाएंगे। तो वहां पर ट्रीज और लिंक्ड लिस्ट के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मैंने ये सारे क्वेश्चंस करे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर की ये वाली एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। और ऑनलाइन राउंड जो होता है ना, मेरे को बताया था कि यार वहां पर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, यार इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, फिर जाके हमें सोचना है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो उस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, जो मैंने स्पॉच पे 100 से 150 क्वेश्चंस करे, तो उसने मेरे को स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस में सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करा। तो मैंने उनको पढ़ा, अच्छे से देखा, मेरे को समझ में आया, अच्छा इसको हमें ऐसे करना होता है। ठीक है, आई डू नॉट कंपेयर, बहुत सारे पोर्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो मैं अपने लेवल पे सीखता था कि मैं किसी तरह ये सॉल्व कर लूं, चाहे सॉल्यूशन से देख देख के कर लूं, बट आई विल डेफिनेटली रिवाइज देम। तो उन चीजों ने मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी अच्छा बना दिया, राइट। आई वॉज नॉट अ लाइक अ स्टार कोडर और समथिंग लाइक दैट, बट इवेंचुअली ये था कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एंड थोड़ा सा टाइम्ड एनवायरनमेंट में कर लेते हैं, और बेसिकली ऑनलाइन राउंड्स के लिए जो भी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस करने थे वो हमने अच्छे से कर लिए थे। ठीक है, तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में जनरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अराउंड ही करा, एंड सच बता रहा हूँ एक डीसी कोडर्स करके कम्युनिटी है मेरे कॉलेज में थी, वहां पर हमें बताया जाता था ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में करो, तो उस चीज ने मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा हेल्प करी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद राइट, फोर्थ सेमेस्टर एंड होने के बाद हमें पता था कि फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्टिंग में कंपनीज आएंगी इंटर्नशिप्स के लिए, है ना। और इंटर्नशिप में थोड़ा सा डीएसए का वही ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, इन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है, चाहे अमेज़न हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बहुत सारी कंपनीज आती थी, तो उन चीजों में हमें पता था इन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। तो मैंने 2 महीने ऑनेस्टली इंटरव्यू बेट उसी टाइम आया था, तो मैंने वहां से प्रैक्टिस करी थी। एक स्ट्रक्चर्ड वे था कि इंटरव्यू का उन्होंने क्वेश्चंस बना रखे, आई थिंक अभी भी है वहाँ, तो 200 के आसपास क्वेश्चंस है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, एरेज के कौन से क्वेश्चंस करो, लिंक्ड लिस्ट के कौन से क्वेश्चंस करो, वो इंटरव्यू बेस्ड है, राइट, लर्निंग बेस्ड नहीं है, इंटरव्यू बेस्ड है कि इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो एक अच्छा सा पाथ बना हुआ था, मैंने वो बहुत अच्छे से फॉलो करा, पूरा एकदम लर्निंग वाइज फॉलो करा, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे वो करने में, मेरे को बहुत ज्यादा पर्सनली एक्सपीरियंस अच्छा था। एक दो कमियां थी वो मैं शेयर करना चाहूंगा। देखो जो उनके सॉल्यूशंस वगैरह थे उस टाइम पे उतने अच्छे नहीं थे, अभी आई एम नॉट श्योर अभी कितना है, तो मेरे को हर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग जीएफजी पे जाना पड़ता था, गीक्स और गीक्स पे, कि इसको और अच्छे से समझना है इसका सॉल्यूशन, तो मेरे को गीक्स और गीक्स से रेफर करके समझना पड़ता था। तो और गीक्स और गीक्स पे क्या दिक्कत थी, वहां स्ट्रक्चर्ड बात नहीं था, राइट, वहां इतने दुनिया भर के क्वेश्चन थे कि इतने सारा टाइम तो है नहीं कि हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो इंटरव्यू बिट पे था स्ट्रक्चर्ड बात अच्छे से था, ये क्वेश्चन ही करने हैं इंटरव्यू के लिए, बट वहां सॉल्यूशन अच्छे नहीं थे, सॉल्यूशन गीक्स और गीक्स पे अच्छे थे बट वहां स्ट्रक्चर्ड बात नहीं था। एंड इसीलिए बस बोल रहा हूँ, हमारे पास एक कोड स्टूडियो का प्लेटफॉर्म है, वहां पर पर्सनली मैंने ही अपने एक्सपीरियंस से बनाया है कि ये कमियां ना हो लोगों को स्ट्रक्चर्ड पाथ भी मिले, लोगों को अच्छे से सॉल्यूशन भी मिले, लोगों को डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म मिले, तो वो हमने कोड स्टूडियो पे सोच समझ के अच्छे से बनाया है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट प्लेटफॉर्म। मैंने पर्सनली उस टाइम पे इंटरव्यू बिट और गीक्स फॉर गीक्स का यूज करके अच्छे से तैयारी करी थी, क्वेश्चन मैंने वही करे थे 200 से 250, और अच्छे से फॉलो करके उनके सॉल्यूशन समझता था। और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, उस टाइम भी हर क्वेश्चन नहीं हो पाता था मुझसे सॉल्व, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन से कुछ चीजें टफ होती है, तो मुझे सीख सीख के करना पड़ता था। ठीक है, बट मैंने क्या करा, ठीक है सीख सीख के सीख रहा हूँ, बट रिवाइज करता था, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, तुम्हारा इफेक्टिवली अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। ये सब चीजें मैं डीएसए के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स के अराउंड। मैंने थोड़ी बहुत ऐप पे काम, वेब पे काम भी करा था, बट वो सेपरेट है, बट डीएसए के अराउंड मैंने जनरली ऐसे ऐसे करा था। तो मैंने वो 2 महीने अच्छे से करा, अमेजोन आई थर्ड ईयर में, फर्स्ट डे हम इंटर्नशिप के लिए बैठे और हो गया मेरा। क्यों हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑनलाइन राउंड में क्या हुआ, 2 क्वेश्चन आए, एक बाइनरी सर्च का, हैश मैप का अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी तो वो अच्छे से हो गया था। सेकेंड राउंड में हीप का क्वेश्चन आया, वो भी अच्छे से हो गया। थर्ड राउंड में ऊप्स के कुछ क्वेश्चन आए, कुछ ऐप पे डिस्कशन हुआ,
और बाकी डीएसए के क्वेश्चंस आए वो भी अच्छे से हो गए। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस होता है अपनी प्रिपरेशन में तो तुम इंटरव्यूज में अच्छा कर पाते हो। ये चीजें मैंने अपनी तैयारी में कर ली थी, है ना, मैंने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे दिए थे उन 2 महीने में, मैंने बेसिकली वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर ली थी तो वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुश्किल क्वेश्चन भी कर पाते हैं, राइट। और बेसिकली शुरू में बेस बहुत अच्छा था क्योंकि तुमने कोर्स के अंडर सीख लिया था, तो वो बेस बहुत अच्छे से सेट हो गया था कि यार बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो है वो मेरे बहुत अच्छे हो गए थे। तो इन सब चीजों ने मेरे को अमेजोन जैसी कंपनी क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। अमेजोन के इंटर्नशिप हुई, वहां पर भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट यूज करे ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, इवेंचुअली मेरा पीपीओ भी आ गया। तो ये चीजों ने मेरे को इवेंचुअली डीएसए में भी बहुत अच्छा बनाया और इवेंचुअली अमेजोन जैसी कंपनी में भी क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद भी मैंने कोडिंग इंडिया में कोर्सेज लिए हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मैंने अच्छे से सॉल्व करे हैं और टीचिंग में भी मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुई क्योंकि टीचिंग में क्या होता है तुम और ज्यादा ग्रिल डाउन करते हो कि यार और ज्यादा कॉन्सेप्ट के अराउंड डीप डाउन करना पड़ता है क्योंकि सामने वाले को समझाना है, तो उन चीजों ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा, ठीक है। एंड इसीलिए बोल रहा हूँ टीचिंग के साथ साथ क्या हुआ था, थर्ड ईयर के एंड के बाद मैंने टीचिंग असिस्टेंट भी ज्वाइन करा था एक कोडिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर भी बेसिकली मैं दूसरों को समझाता था कॉन्सेप्ट तो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते थे, तो उन चीजों ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अच्छा होने में। तो ये इवेंचुअली मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बहुत अच्छा बनाया, अमेज़न जैसी कंपनी क्रैक करवाई। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारे को कुछ सजेशन देना है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने कुछ मिस करा है अपनी जर्नी का तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई थिंक ओवरऑल दिस जर्नी विल रियली हेल्प यू कि यार चीजें नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो, इवेंचुअली हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अच्छा, ठीक है। रिसोर्सेज मैंने बता दिए जो पर्सनली मैंने यूज करे थे, मैंने पर्सनली रिकमेंड कोड स्टूडियो करा है अब आज की डेट में, बिकॉज सोच समझ के मैंने अपनी जर्नी में जो स्ट्रगल फेस करे हैं वो तुम लोग ना फेस करो, उसको सोच समझ के बनाया, तो उस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली चेकआउट करो। और कुछ और जानना हो, कोई भी और एक्सपीरियंस जानना हो, कुछ मैंने मिस करा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक एंड शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी वीडियोज हम डालते रहते हैं। तो प्लीज आई होप दिस वीडियो तुम्हारे को पसंद आई होगी, ये जर्नी मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली तुम भी कर सकते हो, बस लगे रहो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे से सीखो और कोई ना कोई अमेजिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तुम डेफिनेटली निकालोगे, ठीक है। चलो, हैव अ ग्रेट जर्नी एंड हैव अ ग्रेट करियर, थैंक यू।